अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी से होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये भी आपको जान लेना जरूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि 24 तारीख को एक मीटिंग हुई थी सऊदी अरब के अंदर, जो कि इंडियन एम्बेसी से मीटिंग की गई थी और उसमें जो था कुछ मांग की गई थी कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से, जो क्या इंडिया से जाने वाली थी, तो पूरी तरीके से उसको मंजूरी मिल चुकी है। अगर बात करें एक डोज की तो 400 रुपये का खर्चा आएगा और 30 लाख जो है वहाँ पे डोज दिए जाएंगे, यानी कि वैक्सीन की जो दवाई है वो 30 लाख वहाँ पे जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इस चीज़ को जान सकें और अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आप पहचान सकें कि आपको जो वैक्सीन लगेगी वो इंडिया की होगी जो इंडिया में बनाई गई है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया का जो चीज़ें हैं वो बाहर जा रही हैं, वो वैक्सीन को लेकर भी बड़ी अच्छी बात है, जो कि वैक्सीन आपको लगाने को मिलेगी जो इंडिया से बाहर हैं, जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं लोग। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है फ्लाइट के हवाले से। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं फ्लाइट का क्या अपडेट है क्या नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी फ्लाइट का किसी भी तरीके का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा फ्लाइट का तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो जाए और आप जान सकें अगर किसी भी तरीके से सफर करना चाहते हैं तो आप सऊदी अरब में जा सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफी बड़ी है और इसी तरीके से सऊदी अरब के अंदर चेकिंग वगैरह किए जाते हैं, लेकिन अभी जो है अचानक से कैंपेन वगैरह चलाए जा रहे हैं जो चेकिंग वगैरह किए जा रहे हैं। तो एक कंपनी में छापामारी हुई तो उसमें देखा गया जो मिलिट्री की ड्रेस होती है सऊदी अरब की वो बन रही थी और वहाँ पे बनने के बाद में जो गैर कानूनी तरीके से अगर बनाते हैं किसी भी तरीके से कोई भी इस तरीके का सामान वगैरह जो गवर्नमेंट यूज़ करती है, जो गवर्नमेंट के लोग यूज़ करते हैं, तो उस चाहे वो कोई से भी देश में हो तो उस कंपनी को उस जगह को सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से उसको बंद कर दिया गया कंपनी को और उस पर काफ़ी बड़ा जुर्माना वगैरह डाला है। हालांकि वही कंपनी बना सकती हैं जिनको गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर हो या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पूरा वो काम करती हों, तो इस तरीके से काम वही कंपनी कर सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, सऊदी अरब ने जो गवर्नमेंट है सऊदी अरब की, उसने बोला है कि जितने भी रूल रेगुलेशन हैं उनको सभी को लोगों को फॉलो करना रहेगा, अगर किसी ने भी फॉलो नहीं किया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस कंट्री से अगर फ्लाइट चालू करनी होगी तो जिस कंट्री में किसी भी तरीके कोरोना वायरस के केसेस नहीं है, कंट्रोल है पूरी तरीके से, तो उस कंट्री से डायरेक्टली फ्लाइट चालू कर दी जाएगी। लेकिन रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना रहेगा, अगर कोई तोड़ता है तो उसको जो है कड़ी कार्रवाई यानी कि उसके खिलाफ की जाएगी और उस पर जुर्माना वगैरह भी काफी ज्यादा डाला जाएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है निकल के एयरपोर्ट के हवाले से। एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया, दो लोगों को, जिनके पास में काफी ज्यादा सोना, काफी ज्यादा नकदी यानी कि कैश पाया गया और सोने की बात करें 4 किलो पाया गया। तो आप भी किसी तरीके से कहीं से भी आते हैं जाते हैं किसी भी देश में, तो अगर ज़्यादा ही आपके पास में इतनी रकम पाई जाती है, किसी भी तरीके से सोना ज़्यादा पाया जाता है, तो आपसे पूछताछ भी की जा सकती है और आपसे पूछा भी जा सकता है ये सारी चीज़ें कहाँ से आएँ कहाँ से नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी सफ़र करें तो इन चीज़ों का खास करके आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आज की बड़ी लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।